الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما إك باغ بهشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہاں تے مر گئی جنہاں دی ماں عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنہاں وسدا ملک تمامیند سے ادے قبرستان انہاں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام سالانہ جن بھائیاں بزرگاں نے محنت محبت کیتی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور نوجوان جن بھائیاں محنت محبت کوشش جس طرح دی بھی محنت کیتی اللہ پاک قبول فرمائے انتہائی قابل احترام امیر جماعت بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ مولانا مشتاق علی چینا صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزیہ تحصیل اللہ پاک تندرستی والی خیر و عافیت والی نیکی تقوی والی لمبی زندگی دے الحاج چودھری محمد یعقوب چاہل صاحب حفظہ اللہ تعالی دیگر معاونین علاقہ بھر دے معزز علماء مہمانان گرامی کرسیاں تے جتنے مہمان بیٹھے بزرگ بیٹھے نوجوان سارے قابل احترام نے عزت دے لائق نے اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے ساؤنڈ والے بھائی کے گزارش ہے ایکو ڈبلنگ تھوڑی جی کٹ کرو سادہ آواز کھولو اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس حوالے نال مختصر چھوٹا جا پیغام
हजरात उलमा कसीर तादाद अंदर ने इंशाल्लाह रात गए तक प्रोग्राम जारी हो सारी दुआ तक इंशाल्लाह बहोगे ना बांध चौके कबरी कहो खा इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत तौफीक नाल बैठे हो इंशाल्लाह आज रात रब लेखे अल्लाह की रजा ली अल्लाह पाक कबूल फरमाए आमीन को हजरात मुकामे वालदैन वालदैन की खिदमत वालदैन की इज्जत अदबो एहतराम इस हवाले नाल ड्यूटी लगाई गई है। एक मैं गुजारिश करना चाहना गुजरां वाले दे इलाके अंदर एक बुजुर्ग आलमी दी अगर थोड़ी तवज्जो है तो मैं गल शुरू कर लूंगा। एक बुजुर्ग आलमी दीन तकरीर कर रहे ते मैं उन्दे करीब ही बैठा बुजुर्ग आलमी दीन ने कहा भी इतना मजमा है पूरे मजमे अंदर कोई एक बंदा बांह खड़ी करके दसो जिहड़ा अपने बाप दियां जुतियां सिद्धियां करदा होए खुदा की कसम पूरे मजमे चू एक भी बंदे ने बांह नहीं खड़ी की। कहन लगे मैं भी अपने बच्चियां दी जुतियां चुकी फिरना न्याणियां दी जुतियां लियाओ छोटी निकल आई है फिर दुकान ते वापसी करन जाओ उत्थे बच्चे नू नाल लै जाओ बच्चे नू चुके है जुतियां हत्था ना पा पा के फिट करने ऐ पूरी नहीं आई ऐ पसंद नहीं आई ऐ छोटी है ऐ वड्डी है बच्चियां दी जुतियां मैं भी चुकना तुसी भी न्याणियां दी मैं भी ते तुसा भी कोई बंदा है जिहड़ा अपने अब्बे दी जुत्ती चुकदा होए कोई किसे बाह नहीं खड़ी की। उन्हें कहा तीजी वारी मैं फिर पूछना अपने अब्बे की जुत्ती सीधी कर दियो कदे हत्था ना पवाई किसे बाह नहीं खड़ी की। मैनू अल्लाह पाक की इज्जत की कसम वह बुजुर्ग ने फिर फरमाया उन्हें कहा असी पांच भरा वा ते मेरे वालदे मोहतरम भी कहन लगे जिंदा ने ते असी जदों अब्बा जी साढ़े जुत्ती पहनन दे करीब या चार पाई तू पाँव थले करते ने ते पंजां भरावां चू एक ना एक अब्बा जी नूं जूता पहनान वास्ते कोल खड़ा हुंदा है जुत्ती लाने भी अपने हत्थां नाल आ पवाने भी आप आ कसम चुक के आंदा है असीं अपने अब्बा जी की खिदमत कर रहे हैं साड़ी औलाद साड़ी खिदमत कर रही है चार पाई तू पाँव थले होए ते साड़े बच्चे साड़ी जुत्ती सीधी करन वास्ते तैयार हुंदे ने। प्यारे भाइयो फिर उस बुजुर्ग ने अगली जिहड़ी गल कीती उहने कहा काश अल्लाह करे जिवें असी हर बंदा अपने न्याणियां दियां जुत्तियां सिद्धियां करने आ काश अपने मां बाप दियां जुत्तियां सिद्धियां यानी खिदमत करन वाले बन जाइए ते सानू मां प्यो दी अजमत ते तकरीरां करन दी लोड़ ही ना पए जे सारी दुनिया मां बाप दी ताबेदार बन जाए। और मैरिज हाल दा की नाम है नवाज रायल रायल मैरिज हाल अंदर आने वालो ईमानदारी ना बोलो जे सारे मां बाप दे ताबेदार होण फिर अम्मी अजमत दी अम्मी ते अबू दी अजमत अंदर तकरीर करन दी जरूरत पेगी। जो सारे ही बंदे नमाजी बन जान फिर बेनमाज दा अंजाम बयान करन दी जरूरत पेश आएगी। हजरात जरूरत उदू पेश आंदी है सुनी जाने आ अमल वाले पासे ने अमल दा नामो निशान नहीं लखां रुपए कानफ्रेंस ते लग जांदे ने खुदा रा कोई अमल वाले पासों आओ सुनान वाले हैं सुनन वाले हैं दोनों पासों कमी नहीं कमी है तो अमल की कमी है। अल्लाह करे रब सानू तुहानू सारियां नू अमल करन वाला बना दे आमीन को। अबू की अजमत अंदर दो तीन गल्लां दो चार गल्लां अम्मी की अजमत अंदर फिर मैं इंशाल्लाह बात खत्म करांगा। सिरे पंजाब फरमांदे ने एक दिन मैं मुल्तान गया रक्षे के पिछे लिखिया सी मां की दुआ जन्नत की हवा मां की दुआ जन्नत की हवा थले मोटा करके लिखे सी प्यो दी दुआ पुत्र तू रक्षा ही चला। बाप नू लोग हकीर जानते ने एक बाबा मैनू पकड़ के आंदा मौलाना मां दी शान ही सुनांदे हो अब्बे दा कोई तज़करा कोई नहीं कुरान हदीस अंदर मैं कहा जी तज़करा ते है जदों पुत्र दी लड़ाई हुंदी है हमेशा बाप नाल हुंदी है पुत्र ते अब्बे नाल बदतमीजी करदा प्यो दा ते अगे बड़ा ताबेदार। मैं कहा जी शाना ते बहुत ज्यादा ने ते आंदा सुनानियां कदों जे मैं कह इंशाल्लाह हुण ड्यूटी समझ के जिथे भरा मां बाप दा तज़करा कहणगे पहले अब्बे दा तज़करा होएगा इंशाल्लाह। मैं कुराने पाक चो तीन गल्लां इख्तसार नाल तुसां सियाणे हो पढ़े लिखे माशाल्लाह दना आदमी हो तीन इशारे करने ने गल तुसां खुद नोट करनी है ध्यान नाल तवज्जो नाल
मसले नु अखज करना है इंशाल्लाह ये बात अगे भी पहुंचानिया ने कहो जरा इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया लोगो या अल्लाह नबी पाक दुआ कर रहे या अल्लाह जेड़ा बंदा मेरी हदीस सुने सुन के याद करके अगे बयान करे ऐसे चेहरिया नु हमेशा तरोताजा रख। सुबहान अल्लाह इस जज्बे नाल बैठो तवज्जो और मुहब्बत नाल बैठो। कुरान पाक हजरत नूह अलैहि सलाम मेरी गल शुरू हो गई है ध्यान करना। हजरत नूह अलैहि सलातु व सलाम ने अपने बेटे नु कहा पुत्र अब्बे दी अजमत अंदर एक नुक्ता बयान करन लगा। बाप कह रहे बेटा इधर आ मेरी कश्ती ते सवार हो जा सूरह हूद है। बेटा आंदा मैं कश्ती ते नहीं बहना पहाड़ ते चढ़ जाना है। ते बाप आंदा पुत्रा जेड़ा ओही बचेगा जेड़ा मेरी कश्ती ते सवार होएगा मगर ना आज कोई बच सकदा। जमीन चो पानी आसमान तो पानी दाएं बाएं पानी हसरात बाप दे सामने ना फरमान बेटा खुदा दी कसम कुरान आंदा है गोते खा खा के डूब गया मर गया। ना फरमाना नु डुबना चाहिए अब्बे दा ना फरमान डूब गया। हुण गल कुरान दी एक होर सुनो एक और बाप है बाप ए भी नबी है हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पुत्र नु आंदा पुत्रा गर्दन तेरी है छुरी मेरी है दस तेरी की मर्जी है। तो कुरान पता की आंदा है फरमाया फलम्मा बलग महुसाया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अस्बहु कफनजुर माजा तरा काला या अबतिफल मा तो मरू सताज दुनी इंशा अल्लाह मैं नसाबेरी। सुभान अल्लाह एक बारी पढ़ो साउंड अंदर जेड़ा छनकार जे है ना एक किते साउंड वाला परा खत्म करके साफ आवाज करे ना ते मैं सारे राह इंदे वास्ते दुआ करांगा अल्लाह पाक इंदे साउंड अंदर बरकतां दे ते इनू भी इज्जत और तरक्की अता फरमाए। साफ आवाज कर गल दी समझ आनी चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा इब्राहिम नबी आंदे ने पुत्र इस्माइल गर्दन तेरी है छुरी मेरी है दस तेरी की मर्जी है। फलम्मा बालागा महुसाया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अजबहु कफनजुर माजा तरा ए मेरे पुत्र इस्माइल दस तेरी की मर्जी है। मैनु ख्वाब आई है मैं वेना पियावा मैं तेनु अल्लाह तेरा अंदर ज़िबा कर रहा। बेटा आंदा या अबद फल मा तो मारू सताजी दुनी इंशा अल्लाह मैं नसाबेरी। बेटा इस्माइल आंदा है अबू जी जो उत्तों हुक्म आया है तुसा पूरा करो इंशा अल्लाह मैं सबर करांगा। अब्बा इब्राहिम नबी आंदा है पुत्रा मैं तेनू रब तेरा अंदर सिबा कर रहा वा। बेटा इस्माइल आंदा है अबू जी जो हुक्म आया है तुसा पूरा करो इंशा अल्लाह मैं सबर करांगा। किसने सिखलाए इस्माइल को आदाब फरजंदी कुरान अंदर फलम्मा असलम इधर मेरी तरफ ध्यान करो कुरान सुनो फलम्मा असलम वतल्लाउल जबीन कुरान में तेरी इसमें तू सके जावा। मेरा दिल करता मैं मजे ले ले कुरान पढ़ा चुम चुम के ऐता पढ़ा। फलम्मा असलम वतल्लाउल जबीन ओ बाप बेटे दा तस्करा हो रहा है अब्बा ज़िबा करने वास्ते तैयार है बेटा अब्बे दे हत्थों ज़िबा होने वास्ते तैयार है। कुरान अंदर फलम्मा असलम फरमा बरदार पुत्र दा तस्करा फलम्मा असलम वतल्लाउ लिल जबीन
इस्माइल अब्बा इब्राहिम नबी अपने बेटे इस्माइल नो ज़िबा करन लई तैयार बेटा अपने अब्बा जी दे हत्थों ज़िबा होन लई तैयार सुनो त्यां नाल बाप बेटा दोनों मैदान मिना अंदर पहुंच जांदे ने नौजवान वावे ओ गल बड़े पते दीजे साडी जमात दे बुजुर्ग मौलाना अली मुहम्मद समसाम रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी ने बड़ा कमाल दा तर्जमा कर दिता है जदो मैदान मिना दे अंदर पहुंचे बेटा इस्माइल आंदा है अबू जी तुसा मैनू ज़िबा करन लगे हो अब्बा जी दी उम्र 99 साल दी पुत्र 13-14 साल दा बेटा आंदा है अबू जी तुसा कमजोर हो छुरी नू चंगी तरह तेज कर ले आ जे ए बाबा दुआवां मंग मंग के बुढ़ापे अंदर पुत्र ले आ जे अल्लाह पाक अगे दुआवां कर करके पुत्र मंगे आ जे ते पुत्र ते तरस खा के छड ना पे आ जे ज़िबा करन तू पहला अपनी अखां ते पट्टी बन लो अब्बा जी मेरे गले ते छुरी चलाओ तकलीफ नाल तड़फा ते खून दे चींटे तुहाडियां चादरां ते ना पै जान मैनू ज़िबा करन तू पहले लत्तां बाहां घुट के बन लो पहली वसीयत हजरत इस्माइल फरमाई छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही तुसा कमजोर मता वड्डे ना काई होवे तकलीफ मेरे ताई दूसरा लत्तां बावां दूसरा लत्तां बावां बनो मेरियां ज़िबा दे वेले तरफा चार चुफेरियां खून ना पै जाए अब्बा उपर चादरां तेरियां होवां बे अदबां विचों नाई तीजी वसीयत अबू तुहाडी उम्र वडेरिया तुहाडे हत्थों हुण मौत आवनी मेरी आ सबर कमायो रखियो सबर वड्डी दलेरी आ सबर बगैर चारा नहीं चौथी वसीयत अब्बा भुल न जावना मेरा सलाम मेरी मां नू पहुंचावना आया ते आके टुर चलिया परावना खिदमत दा मौका मिलिया नहीं पंजवी वसीयत अबू करम कमा दियो लो भुन्ना कुर्ता मेरी मां नू पहुंचा दियो सबर कमावे ए गल फरमा दियो मुड़ के मैं आवना नहीं फलम्मा असलमा वतल्लाहू लिल जबीन बाप ज़िबा करन वास्ते तैयार हो जांदा है पुत्र ज़िबा होन वास्ते तैयार हो जांदा है मियां गल कुरान दी है कयामत तक लोग कुरान पढ़ते रहनगे मसले हल हुंदे रहनगे फरिश्तियां हल चल मचा दित्ती या अल्लाह इंज ते गल्लां नहीं पकदियां नू पैगंबर दा बेटा अब्बे दा ना फरमान ओ पानी अंदर डुब गया ऐ ते गल समझ आउंदी है इस्माइल ते अब्बू दा ताबेदार है हुणे ज़िबा हो जाएगा ए मेरे अल्लाह नू पैगंबर दा बेटा ना फरमान डुब गया ए फरमा बरदार ज़िबा हो जाएगा वंड किवें पैगी फरमा बरदार ते ना फरमान अंदर वंड पैनी चाहीदी है अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरी कुदरत दा मुशाहदा करो मेरे बंदियां दी ताबेदारी वेखो खबरदार छुरीए इस्माइल दा बाल बाका नहीं करना कि हम तक लोग कुरान पढ़ते रहनगे मसले हल हुंदे रहनगे हजरत नू पैगंबर दा बेटा ना फरमान पानी अंदर डुब गया इब्राहिम पैगंबर दा फरमा बरदार बेटा अल्लाह पाक ने चल दिया छुरियां थलों बचा लिया है एक पासे ना फरमान है बाप उधर भी नबी पुत्र डूब गया दूजे पासे बाप इधर भी नबी फरमा बरदार बच गया गल कुरान दी तीजी सुन लो हजरात दसां पुत्रों ने अपने बाप नू रुआए बुढ़े
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਹੈ ਸਤਾਇਆ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जिन्हें खाबा नहीं लुकाइया अल्लाह पाक ने उन्हें बादशाही अता कर दिती। जिन्हें बुढ़े बाप नू सताया जिन्हें दसा पुत्रा मंगदे फिरदे गल मेरी नहीं गल कुरान दी है। जदू तीजी वरी गए आंदे ने मिस्र दे आशावा वादा सदक अलैना नौजवानों गल कुरान दी सुन लो वादा सदक अलैना इन माड़े गरीबा थोड़े पैसे ले आए थोड़े पैसों नाल आटा दाना थोड़ा आएगा इंज कर कुछ साडे ते सदका खैरात भी कर दे वादा सदक अलैना। बुढ़े बाप याकूब नू रोआन वाले मंगते फिरते ने वादा सदक अलैना इन अल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन। गल कुरान पाक दी सिद्धी है अप्पू नू रोआन वाले बोरियां चुकी फिरदे जिन्हें ख्वाब नहीं लुकाई वो मिस्र दा बादशाह बन के बैठा है। तीन गल्लां कुरान विचों अप्पू दी अजमत अंदर और तीन अहदीस भी पढ़ देना वा आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमांदे ने अल वालिदो औसतु अबवाबिल जन्ना। लोगों बाप जन्नत दा मेन दरवाजा है बाप जन्नत दा मेन गेट है। चाहे खिदमत करके हिफाजत कर लवो चाहे ना फरमानी करके दरवाजे नू साया कर लवो बाप लं वरगे प्यार दलासे लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते तियां मौजां मान दियां तुर जावन जद बाप ते पापियां नहीं जान दियां। अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप लवर के प्यार दलासे लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। हर बाप दी खाश हुंदी है मेरे पुत्र पढ़ लिख के वड्डे अफसर बन जान दुनिया जहान दे लोग हसद करदे ने करी जान। मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है अम्मी औलाद नाल हसद नहीं करदी अप्पू कदी औलाद नाल हसद नहीं करदा। नौजवानों वीरियो मैं गुजारिश कर रहे हैं अप्पू दी खिदमत करो बाप दी इज्जत अदबो इत्तराम करो। आका फरमांदे ने तीन बंदे एक मजलूम बंदा मुसाफिर बंदा जदों दुआ करे रब फौरन कबूल कर लैंदे ने। तीजे नंबर ते बाप औलाद दे मुतलक बाप हाथ चुक के दुआ करे अब्बू दे मुंह निकलिया अल्लाह पाक कदी नहीं जे मोड़ दे। तिरमजी दी रवायत है आका फरमांदे ने अब्बू दी रजामंदी अंदर अल्लाह पाक दी रजामंदी है अब्बू दी नाराजगी अंदर अल्लाह पाक दी नाराजगी जन्नत दे कुल अठ दरवाजे। आका फरमांदे ने एक जन्नत दा दरवाजा बाबुल वालिद वालिद दे नाम दा रब ने जन्नत दा स्पेशल दरवाजा बनाया। लोगो जे जीउंदे ने कदर करो जे तुर के दुआवां करो अल्लाह पाक आखरत दियां मंजिलां आसान करे। आमीन को निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है वो शफकत बाप करता है। बाप मिन्नत
मजदूरियां करके पांच सात बच्चे चार पांच बेटे ने चार पांच बेटियां सारियां नु पालदा सामदा पढ़ांदा लिखांदा ए जवान हो गए फिर अगे शादियां करदा है इन्हां दे मकान भी बना के देंदा है बाबा बीमार है तद भी बच्चियां दी फिकर ए मकरूज है तद भी बच्चियां दी फिकर हार्ट प्रॉब्लम शुगर प्रॉब्लम अल्लाह जाने कई कई बीमारियां हजरात औलाद लई दिन रात तड़पदा है इसलिए पैगाम दे रहे हैं निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है वो शफकत बाप करता है अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है मोहब्बत बाप करता है कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालों कीमती तू कीमती खिलौने ले आके बाप अपने बच्चियां नू देंदा है बच्चियां दी मां कहन लग पई सरताज इतने कीमती खिलौने ना ले आया करो बच्चियां जाया कर दिते ए कीमती खिलौने पहले दिन लीरो लीर पुरजे पुरजे कर दिते बाप आंदा कोई गल नहीं मेरे बेटे मेरियां बेटियां मेरे बच्चे मेरे दिल दे टुकड़े ने सवेरे और ले आ देंगा सवेरे खिलौने और आए वो भी तोड़ दिते गए अगले दिन और आए वो भी तोड़ दिते गए कभी सोचा है तुमने खिलौने तोड़ने वालों बच्चियां दिन बाबा स्कूल जा रहे हैं बैग फट गए जिप खराब हो गई बापा दा शाम नु नवा बैग आ जाएगा अब्बा जी आज पेंसिल मुक गई है शाम नु नवी आ जानगियां बेटे आंदे ने अब्बा जी बच्चियां दे ने कापियां मुक गईयां ने किताबां फट गईयां ने शाम नु नवी आ जानगियां बाबा यकम आ गई फीस भरनी है फीसां भी दे दित्तियां बिजली बिल आ गए बिजली बिल भी भर दिता हजरात किते गैस बिल किते किचन दा समान खत्म हो गया किते वर्दी चाहिदी है किते कपड़े चाहिदे एक बाप सर्दी दिया ठठर दिया रातां गर्मी दी शिद्दत दोपहर दा वेला हजरात दिन रात मेहनत करदा है ए बीमार है ते तद भी बच्चियां दी फिकर है खुदा दी कसम कई कई बीमारियां लेके टुरिया फिरदा है दिन रात बच्चियां दी फिकर मेरे बच्चे पढ़ लिख के जवान हो जान कल किसी अगे हाथ ना फैलान अपनू बच्चियां दी कितनी फिकर लगी इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूं कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालो मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जिन्ना दे बाप जीउंदे ने कदर कर लो जिन्ना दे तुर गए जुदाई दा दुख उन्हां नू पुछ लिया जे ओ मियां जिस दौर विचों गुजर रहे हैं महंगाई ने बड़ियां बड़ियां दा लक तोड़ दिता है अज अपनियां कमाईयां नाल अपनी पूरी नहीं पैंदी मौजां अब्बू दी कमाई ते हुंदियां ने ओ अब्बू दी कमाई ते मौजां करन वाले हो अब्बू दा इहतराम भी करिया करो कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालो कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालो तुम्हारे ख्वाब होते हैं तुम्हारे ख्वाब होते हैं हकीकत बाप करता है हकीकत बाप करता है हजरात आज ना फरमानी दिया हद्दां तोड़ दितियां ने नौजवान ना फरमानी ते बाद दी गल हुण ते मापियां नू थप्पड़ मारन तक थप्पड़ा तू भी गल लगे हुण नकमियां औलादां मां बाप नू कतल करी जांदे अल्लाह मेरी तौबा आका फरमांदे ने सलासा तला यदखुलून अल जन्ना तीन किस्म दे बंदे कदी रब दी जन्नत अंदर नहीं जाणगे तीजे नंबर ते वालदैन दा ना फरमान मापियां दा ना फरमान कदी भी जन्नत नहीं जाएगा और
नौजवानों कुरान आंदा उफ तक मां बाप नु ना कहो इना दी खिदमत करो हुस्ने सलूक करो अदबो एहतराम करो गल ध्यान ना सुनया जे मेनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम बड़े बड़े लोग कहंदे ने मौलाना औलाद ना फरमान ने पुत्र ना फरमान ने बेटियां ना फरमान ने दुखी बड़े आ ते जरा दुआ कर दियो ओ मेरे ओ वीरे ओ औलादां दे दुख मां बाप नु लम्मियां कर देंदे ने जे नहीं यकीन कुरान पढ़ लो सूरह यूसुफ पढ़ लिया जे मेरे उलामा बैठे ने औलाद दे दुख ने बाप नु लम्मियां कर दिता है अखां दी बिनाई खत्म हो गई अल्लाह जिन्हां नु औलादां दित्तियां ने औलादां दे दुखां तू बचा ले आमीन कहो औलादां दे दुखड़िया तू महफूज कर ले हजरात आए दिन कोई ना कोई बाबा बुजुर्ग औलाद की बड़ी परेशानी औलाद ना फरमान है औलाद बदतमीज हुण मेरी दरतर वेखो गल ध्यान ना सुनिया जे अगर ताजरां दी औलाद कारोबार करन वाले जट्टी जट जिमीदार तुहाडे विचों सामीन विचों किसे दी औलाद ना फरमान बड़ी दुख की गल अल्लाह हदायत देवे ते कदे कदे तुसां भी सोच लिया करो कह लिया करो जे बंदा आलमे दीन होए तबलीग करे दिन रात कुरान सुनाए आलमे दीन दी औलाद ना फरमान होए कदे उंदे लिए भी दुआ कर दिया करो या अल्लाह उलमा दी औलाद नु भी हदायत नसीब कर आमीन को कबूतर बाजा नाल टाइम जाया कर दे जुए बाज शराबी कुत्ते लड़ान वाले कबूतर उड़ान वाले इंज दे लोकां नाल दिन रात वक्त बर्बाद एक दिन बाबा जी जुमा पढ़ा रहे ने आलमे दिन खुतबा दे रहे ने ते नाल दे मस्जिद दे नाल दे मकान दी छत ते चढ़ के इस आलमे दीन दा बेटा कबूतर उड़ाई जांदा है लोकां मंजर वेखे है जुमे दे बाद मौलाना नू बिठा लिया मौलाना तुसी जुमे पढ़ांदे हो तकरीरां ते वाज करदे हो तुहाडे न्याणे कबूतर उड़ाई जांदे कोई फिल्मां वेंदा है कोई ड्रामे वेंदा है कोई कबूतर उड़ांदा है कोई सारा दिन कुत्ते लड़ांदा है इन्हां नू किने समझाणा है इन्हां नमाजियां जमातियां मौलाना दी क्लास लई कोई चंद गल्लां कीतियां बाबा जी बड़े परेशान होए घरे आ गए ने सारा दिन परेशानी अंदर गुजरिया शाम नू अन्ना फरमान बेटा आया अपनी चारपाई ते बह के जूता उतारिया चारपाई ते बह के आंदा खाना लिया मैं खाना खाना है हजरात खाने तू पहले अब्बा जी बुजुर्ग आलमे दीन ने उठ पे अपने बेटे दी जूती वाली जगह ते चले गए उथे पैरां पार जमीन ते बह गए अपने सिर तू पग ला दित्ती पुत्र दी जुत्ती चुकी आलमे दीन बुजुर्ग ने अपने बेटे नू जूता पकड़ाया बेटा ए जूता पकड़ ले जितना दिल करदा ही अपने अब्बे दे सर दे अंदर मार ले खुदारा तू मार ले लोकां कोलो ना मरवा पुत्र दियां डीकरां निकल गईयां बाबा क्या गल है क्यों इंज करी जांदे हो इंज क्यों करी जांदे हो बाप रो के आंदा जालिम मैं कुरान सुनाना तू कबूतर उड़ाना मैं लोकां नू वाज करना तू सारा दिन कुत्ते लड़ाना है आज लोगों ने मेरे नाल बड़ियां गल्लां शिकवे उलामे दित्ते ने ओए नौजवानों सुन लो मैनू रब दी इज्जत दी कसम है मुहद्दिसीना दे ने बाप नेक है मां नेक है मां बाप दा मुआशरे अंदर अच्छा नाम है औलाद ने तुलामे दवांदी है मां बाप दे अच्छे नाम नू जिहड़ी औलाद बदनाम करदी है ये भी नाफरमानी है इंज दी औलाद भी कदी रब दी जन्नत अंदर नहीं जाएगी अच्छे नाम नू बदनाम करन वाले भी दुनिया आखरत अंदर जलील होणगे बाप ने कहा लित्तर फड़ ते जितना दिल करदा मार लै बेटा रोई जांदा बाप बाबा मुआफ कर दियो की गल ने बाप ने सारी गल सुनाई तू मार ले लोकां कोलों मैनू छित्तर ना मरवा अज लोगों ने बड़े उलामे दिते ने मैं जुमा पढ़ा रहा सा ते तू सारा दिन कबूतर उड़ांदा रहा है बेटा रो के आंदा अब्बा जी अल्लाह पाक अगे भी मुआफी मंगना तुहाडे कोल भी मुआफी मंगना दुआ करो रब मैनू मुआफ कर दे आज तू बा सच्चे दिल नाल तौबा अब्बू जी अज दे बाद कोई रब
ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਲਏ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾ ਇਜ਼ ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਲਾ ਤਾਬੂਦੂਨ ਇਲਲਾ ਬਾਬਿਲ ਵਾਲਦੈਨ ਇਹਸਾਨ ਬਸਿਲ ਕੁਰਬਾ ਵਲ ਯਤਾਮ ਵਲ ਮਸਾਕੀਨ ਵਕੂਲੂ ਲਿਨਨਾਸ ਹੁਸਨਾ ਵਅਕੀਮੂ ਸਲਾਤਾ ਵਆਤੂ ਜ਼ਕਾਤਾ ਸੁਮ ਤਵੱਲੈਤੁਮ ਇਲਾ ਕਲੀ لَمْ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ پاک نے دیگر جتھے وعدے لے، پہلا حق رب دا، دوجا حق تیرے ماں باپ دا، ماں باپ وچوں ابو دی گل کر رہے ہیں، اون دیاں چیتے جد وفاواں ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇ ਕਿਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇ ਕਿਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਜਦ ਵਫਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇ ਕਿਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਘੰਟਾ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਮਲਤੁਹੁ ਉਮੁਹੁ ਕੁਰਹਾ ਵਵਜ਼ਾਤੁਹੁ ਕੁਰਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਹਮਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼